कानपुर, कानपुर बवाल पर हिंसा मामला। कानपुर हिंसा पर बड़ी खबर, डीवीआर से दस्तावेज मिटाने और छेड़खानी की कोशिश। पुलिस कमिश्नर का दावा, बोले साक्ष्य मिटाने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कमिश्नर ने विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। पत्थरबाजों को पुलिस ने किया चिन्हित, आज जारी किए जाएंगे पोस्टर। पोस्टर में सामने आएंगे बवाली पत्थरबाजों के चेहरे। पकड़वाने की लोगों से होगी अपील। हयात हाशमी के पास से अहम दस्तावेज मिले। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम खंगालने पर साजिश के साक्ष्य मिले। पुलिस आयुक्त। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, दो चीजों के लिए टीम गठित की गई है। हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था उससे 6 मोबाइल बरामद किए थे और उन मोबाइलों के अंदर क्या क्या सूचनाएं हैं, व्हाट्सएप पर किससे बात करी, इंस्टाग्राम पर किससे बात करी, उन सारी सूचनाओं को जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। साथ ही दूसरी टीम गठित की गई है जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए। एक तीसरी टीम गठित की गई है जो हमारे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो फुटेज है, उसको एनालिसिस करके लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सारी टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं, बाकी कुछ दूसरी टीमें हैं जो शांति व्यवस्था कायम करे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है। सर, जो पत्री तो उनके आज पोस्टर चिपकाए जाएंगे? बिल्कुल, जैसे ही उनके फोटोग्राफ्स प्राप्त होते हैं उनको पोस्टर बनाकर चिपकाया जाएगा। लोगों से अपील की जाएगी, अनुरोध किया जाएगा कि उस कि उनके नाम बताएं। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स हैं तो पुलिस को बताएं, जैसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जाए। थैंक यू। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।